है आप सभी का SSCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। साक्षी के सागर होटल के सामने महिला से बैग छीनते। बिरसानगर की महिला शादी समारोह में साक्षी से जा रही थी गोविंदपुर। बैग में था नगद 5,000 रुपए, सोने का चेन व मोबाइल फोन। शिकायत पर साक्षी पुलिस हुई रेस, CCTV कैमरा खंगाला। जमशेदपुर पुलिस केंद्र में 19वीं कोल्हान क्षेत्र खेल कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ। 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में कुल 5 टीमें ले रही हिस्सा। कोल्हान DIG अजय लिंडा ने किया प्रतियोगिता का उद्घाटन। जमशेदपुर के सीनियर SP समेत तीनों जिलों के SP रहे मौजूद। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य जाँच शिविर आयोजित। अग्रसेन भवन में नाम्या फाउंडेशन द्वारा किया गया ये कार्यक्रम। पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने दीप प्रज्वलित कर किया शिविर का शुभारंभ। वरिष्ठ पत्रकार राधेश्याम अग्रवाल को किया गया सम्मानित। आइए बात करते हैं साक्षी में महिला से हुए बैग छीनते की। साक्षी सागर होटल के सामने बिरसा नगर की महिला से बदमाशों ने बैग छीनते कर ली और फरार हो गए। महिला के बैग में 5,000 रुपए नकद के अलावा एक सोने की चेन और उसका मोबाइल फोन भी था। घटना की शिकायत मिलते ही साक्षी पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। घटनाक्रम की सत्यता जानने के लिए कई जगहों के CCTV कैमरे को खंगाला जा रहा है। छिनतई की यह घटना मंगलवार को देर रात की है। बिरसा नगर जोन नंबर 7 की रहने वाली महिला अनुराधा साक्षी से होकर गोविंदपुर अपनी बहन की शादी में शामिल होने जा रही थी, तभी होटल सागर के सामने बाइक सवार उचकों ने उनका बैग छीन लिया और फरार हो गए। इस बैग में महिला का एक पर्स भी था जिसमें 5,000 रुपए, मोबाइल और सोने की चेन थी। अनुराधा ने बुधवार को इस मामले की शिकायत साक्षी थाने में की। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक CCTV कैमरे को घटना की सत्यता जानने के लिए खंगाला जा रहा है। अगर चेक करा जाएगा ना तो शायद हो सकता है कोई उम्मीद है कि मेरा सामान मिल जाएगा करके। ये चाहते हैं कि मेरे को प्रशासन से यही गुहार करते कि वो थोड़ा सा चेक करवाए कि वो लड़का लोग कौन था, बस और कुछ नहीं। क्या नाम है? मेरे हैंड पर्स था और उसके अंदर हम एक छोटा बैग रखे थे, उसी में मेरा पैसा था, चेन था और डॉक्यूमेंट्स। आइए बात करते हैं जमशेदपुर पुलिस केंद्र में 19वीं कोल्हान क्षेत्र खेल कूद प्रतियोगिता के आयोजन की। जमशेदपुर पुलिस केंद्र में 19वीं कोल्हान क्षेत्र खेल कूद प्रतियोगिता का मंगलवार को रंगारंग शुभारंभ हुआ। 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रतियोगिता की मेजबानी इस वर्ष जमशेदपुर पुलिस कर रही है। इसमें कुल 5 टीमें हिस्सा ले रही है जो कोल्हान के 3 जिलों से होंगी। इसमें 13 प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं होंगी और जमशेदपुर के अलग अलग स्टेडियम में खेली जाएंगी। 19वीं कोल्हान क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र का संबोधन करते हुए कोल्हान DIG अजय लिंडा ने कहा कि इस प्रतियोगिता में पुलिस को अपनी खेल विद्या के प्रदर्शन का मौका मिलेगा। इस प्रतियोगिता में 13 प्रकार के खेलों की प्रतिस्पर्धाएं होंगी। इनमें से 7 स्पर्धाएं गोलपुरी पुलिस केंद्र में आयोजित की जाएंगी, जबकि 5 प्रतियोगिता JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और 1 प्रतियोगिता मंगल सिंह अखाड़ा में आयोजित होगी। इस मौके पर DIG अजय लिंडा ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उन्हें बेहतर परफॉर्म करने की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि खेल पुलिसिंग का एक हिस्सा है। खेल न केवल एक प्रतिस्पर्धा है बल्कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ बनाता है। उन्होंने 3 जिलों के खिलाड़ियों को अपने जिले के लिए बेहतर परफॉर्म करने हेतु प्रेरित किया। वहीं जमशेदपुर SSP प्रभात कुमार ने भी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और अपने जिले के लिए बेहतर खेल का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। फिट रहना, मानसिक रूप से सबल होना अति आवश्यकता है। हम तभी उत्तम सेवा दे सकते हैं जब ये 3 चीज हमारे साथ होंगे। हमारा ये खेल कूद, अगर हम कहें कि दर्शन ही यही है इस खेल कूद का, हम लोग जो आज इस खेल कूद कर रहे हैं उसका दर्शन ही यही है। दर्शन यही है कि हम सबों का सर्वांगीण विकास हो, हमारी जिंदगी संतुलित हो, हम लोग एक अपने डिपार्टमेंट को अच्छी सेवा दे पाए और हम लोग सब खुशहाल रहे। मैं ये बताऊं कि ये खेल कूद प्रतियोगिताएं अपने रूप में बहुत सारी हमें शिक्षाएं दे जाती हैं। हम जो कहें कि बहुआयामी उद्देश्य होते हैं ऐसे खेलकूद प्रतियोगिताओं का। पहला चीज होता है कि ये खेलकूद प्रतियोगिता जो है कि आपको खेल भावना को सिखाता है, जो आपको जीवन जीना सिखाता है, आपको जीवन जीना सिखाता है। यहीं पर आप सीखते हैं समरसता कैसे आती है, यहीं पर आप सोचते हैं
शुचिता कैसे आती है। अब यहीं पे सीखते हैं कि नैतिकता कैसी आती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग छोटी छोटी बातों में बहुत उदास हो जाते हैं और कुछ खुशियां मिलती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये बताता है कि हमें खुशी में भी बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना है और हमें दुख में भी बहुत ज्यादा हतोत्साहित नहीं होना, क्योंकि हमारा जैसा कार्य है, हम लोग का जैसा वर्किंग आवर्स है, जो हमारी परिस्थितियां हैं जिसपे हम काम करते हैं, ना हमें बहुत ज्यादा उत्साह का जरूरत है, ना हमें बहुत ज्यादा हतोत्साहित होने का जरूरत है। मैं ये भी बताऊं कि ये खेल प्रतियोगिताएं आपको इसी जगह से, आपको यहां नहीं अपने जीवन में, अपने सेवा में नहीं, अपने जीवन में भी संघर्ष करना बताता है, रिस्क लेना बताता है। ये जो भी प्रतियोगिताएं कल से आप करेंगे, सब एक रिस्क है, सब एक संघर्ष है। अब यही सब सीखते हैं कि हम जब अपने फील्ड में जाएंगे तो हमें भी संघर्ष करना है। आइए बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर पत्रकारों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर के आयोजन की। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर बुधवार को अग्रसेन भवन में नाम्या फाउंडेशन द्वारा पत्रकारों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। नाम्या फाउंडेशन के संयोजक और पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कुणाल सारंगी ने वरिष्ठ पत्रकार व संपादक राधेश्याम अग्रवाल को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद इस मौके पर कुणाल सारंगी ने कहा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। दरअसल अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों तक खबर पहुंचाने वाले पत्रकारों को स्वास्थ्य जांच का बहुत कम मौका मिलता है। भागदौड़ भरी जिंदगी में उन्हें सुलभता से आज स्वास्थ्य जांच का मौका मिला है। श्री सारंगी, जो झारखंड प्रदेश भाजपा के प्रेस वक्ता भी हैं, ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम पत्रकार करते हैं, इसलिए पत्रकारों के स्वास्थ्य की चिंता करना हम सब की जिम्मेवारी है। कुणाल ने पत्रकारों को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी। शिविर में पहुंचे पत्रकारों ने अपने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस है और पत्रकार साथियों के लिए जो तमाम चुनौतियों का सामना करके हम तक खबरें पहुंचाते हैं, सही खबरें सही समय पर पहुंचाते हैं, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी हम लोगों की है। इसलिए नम्या स्माइल फाउंडेशन और फोकस अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में आज जमशेदपुर शहर के और आसपास के इलाकों के सभी पत्रकार साथियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया अग्रसेन भवन में, और शिविर शुरू भी हो चुका है। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि ऐसे शिविर के माध्यम से जो पत्रकार साथी अपनी जान जोखिम पर डालकर अपना काम करते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं, उनको स्वस्थ रखने में हमें भूमिका निभा पाएंगे। मामले का खुलासा करते हुए सरायकेला के एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि
तीन माह पूर्व ब्राउन शुगर के गोरख धंधे में वर्चस्व को लेकर मोहम्मद साबिर की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस हत्याकांड में शामिल अपराधी इमरान खान, उसका भाई सद्दाम खान समेत अन्य आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि इमदाद खान उर्फ बाबू फरार चल रहा था। इस बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि इमदाद खान जमशेदपुर के गोलमुरी मुस्लिम बस्ती में एक किराए के मकान में रहता है, जहाँ से वह ब्राउन शुगर का कारोबार करता है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी दल का गठन करते हुए अपराधी इमदाद खान उर्फ बाबू को गोलमुरी से गिरफ्तार किया। पूछताछ के क्रम में इमदाद ने बताया कि पहले वह सद्दाम खान के साथ मिलकर ब्राउन शुगर का कारोबार कर रहा था, लेकिन सद्दाम के जेल जाने के बाद से वह अपनी बहन आसमा परवीन के साथ मिलकर ब्राउन शुगर का कारोबार चला रहा था। पुलिस ने आरोपी इमदाद की निशानदेही पर इसकी बहन महिला ड्रग पेडलर आसमा परवीन को जमशेदपुर के धातकीडी से गिरफ्तार कर लिया। ड्रग पेडलर भाई बहन के पास से 3,20,000 रुपए नगद समेत 62 ग्राम ब्राउन शुगर और 3 मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी भाई बहन ने बताया कि उन्हें मोगला नामक व्यक्ति ब्राउन शुगर उपलब्ध कराता था। मोगला पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद से ब्राउन शुगर की खेप लाकर उन तक पहुँचाता था। वही मोगला अब भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस द्वारा कार्रवाई की बात कही गई है। जो कारोबार चल रहा है यहाँ पे जमशेदपुर आबिदपुर में, और हमारा लगातार जो अभियान चल रहा है, जो नशा का कारोबार हो रहा है खासकर ब्राउन शुगर का, उसमें एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, एक कामयाबी मिली है, न सिर्फ आदितपुर पुलिस को बल्कि पूरे सरायकेला और पूरे झारखंड पुलिस को। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, कामयाबी है। हमारा जो अभियान चल रहा है मादक पदार्थ जो है ब्राउन शुगर वगैरह का, इसमें दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक है इमदाद खान उर्फ बाबू, उम्र 36 वर्ष, ये मुस्लिम बस्ती आदितपुर का रहने वाला है। इसकी अपनी सगी बहन है आसमा परवीन, जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष है। ये धातकीडी कदमा में रहती है, दोनों भाई बहन हैं और काफ़ी दिनों से ये बंगाल से ड्रग्स मंगा के यहाँ बेचते थे, जमशेदपुर और आदितपुर के क्षेत्रों में बेचते थे। इन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा एक मोगला करके एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, वो बंगाल का मुर्शिदाबाद का रहने वाला है, और उसकी तलाश के लिए, उसकी गिरफ्तारी के लिए हम पूरा अथक प्रयास कर रहे हैं। वही जो है वो ड्रग्स का सप्लाई करता था इनको, ये उनसे खरीदते थे और आदितपुर जमशेदपुर के इलाकों में इनको बेचा करते थे। हाँ, बनावटी में सबसे पहले तो 616 पुड़िया ब्राउन शुगर, जिसका कुल वजन प्लास्टिक सहित 41 ग्राम है, 5 पारदर्शी प्लास्टिक के पाउच ब्राउन शुगर, इसका कुल वजन 21 ग्राम है। तो हम लोग वजन कम भी कर दें तो कम से कम 50 ग्राम ब्राउन शुगर होगा, इसका मार्केट वैल्यू कम से कम 4 लाख से ऊपर होना चाहिए। और इसके अलावा 3,20,000 रुपये नगद, वो भी बरामद हुआ है। और ये इमदाद खान उर्फ बाबू जो है, वो एक इम्पॉर्टेंट मर्डर केस हुआ था साबिर का मर्डर हुआ था साबिर हत्याकांड में, उसमें ये इमदाद खान फरार था, जो बॉबी है। इसके ऊपर मर्डर का भी केसेस है, इसका आपराधिक इतिहास है। NDPS एक्ट में ये जेल गया है, आर्म्स एक्ट में गया है, मर्डर केस में ये इंस्पेक्टर है इमदाद खान। ये बहुत बड़ी सफलता है। और जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, इमदाद खान उर्फ बाबू, उम्र 36 वर्ष, ये मुस्लिम बस्ती आदितपुर का है। इसकी बहन आसमा परवीन, उम्र 40 वर्ष, ये अभी धातकीडी जमशेदपुर में रहती है। उसके बताए अनुसार, यानी उसके भाई के बताए अनुसार, उसकी निशानदेही पर उसकी बहन को भी गिरफ्तार किया गया। ये कुछ पैसा तो उसके आसमा के घर से हुआ है, कुछ पैसा इसके पास भी। अभी जो मात्रा है ये काफ़ी बड़ा है, इतने बड़े पैमाने पर मात्रा में हाल फिलहाल में नहीं हुआ था। हम लोग का एक मोगला का नाम आ रहा है, कोई मोगला करके है, अभी उसका हम सत्यापन कर रहे हैं मोगला का। वो मुर्शिदाबाद बगान का रहने वाला है। अगर वो पकड़ा जाता है तो हमें और काफ़ी सारी सूचनाएं मिलेंगी कि वो कहाँ से लाता था, कहाँ किसको। हाँ, मोगला करके है, उसको हम लोग सत्यापित कर रहे हैं, कौन है व्यक्ति। अगर वो गिरफ्तार हो जाता है तो काफी महत्वपूर्ण सूचना। आइए बात करते हैं मांगो देश बंधु लाइन के लोगों के लिए परेशानी का सबब बना नाले की। देश बंधु लाइन झंडा रोड मानगो में ये बड़े नाले से हो रही समस्याओं से स्थायी समाधान के लिए बस्ती वासियों ने जिला उपायुक्त से गुहार लगाई है। लंबे समय से नाले की साफ सफाई नहीं हुई है।
जिससे नाला जाम रहता है और थोड़ी सी बारिश में नाले का गंदा पानी रोड पर बहने लगता है, जिसकी वजह से चारों तरफ बदबू फैल जाती है। हैरान परेशान लोगों ने उपायुक्त से हस्तक्षेप कर समस्या के स्थायी समाधान की गुहार लगाई है। दरअसल देश बंधु लाइन में सड़क के बीचों बीच एक बड़ा नाला का निर्माण किया गया है, जिससे होकर मानगो क्षेत्र के विभिन्न बस्तियों का गंदा पानी निकलता है। इसका निर्माण लोगों की सुविधाओं के उद्देश्य से मानगो नगर परिषद द्वारा किया गया था, लेकिन नियमित रूप से नाले की सफाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से नाला अक्सर जाम रहता है। थोड़ी सी बारिश होते ही नाला जाम हो जाता है और नाले का गंदा पानी सड़क पर बहने लगता है। सड़क पर कीचड़ जमा हो जाता है, जिससे बदबू फैलने लगती है। हालात बद से बदतर होते जाते हैं। कभी कभी तो गंदा व बदबूदार पानी घरों में भी प्रवेश कर जाता है, जो लोगों के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। बस्ती वासियों का कहना है कि हम लोगों ने कई बार कार्यपालक पदाधिकारी और नगर प्रबंधक को इस समस्या से अवगत कराया है, परंतु अभी तक इस समस्या के समाधान के लिए कोई भी अस्थाई कदम मानगो नगर निगम द्वारा नहीं उठाया गया है। बस्ती वासियों ने उपायुक्त को आवेदन देकर इस समस्या को गंभीरता से लेने और उसकी अस्थाई हल निकाले जाने का अनुरोध किया है। मानगो में एक 2.5 साल पहले एक नाला का निर्माण हुआ। यह नाला का निर्माण जनता का सुविधा के लिए हुआ था। यह सुविधा तो मिले नहीं, उल्टा हो गया यह कि हम लोग का जीवन नरकीय हो गया है। नाला का बनावट इस तरह है, नगर निगम और इंजीनियरों का देन है कि ना उसमें से पानी बहता है ना कचरा निकलता है। अब नतीजा यह हुआ कि 5-10 मिनट की भी बारिश होती है, सब लोगों का घर में पानी का बारिश का पानी कीचड़ वाला पानी काला पानी घुस जाता है। अब पानी घुस गया और अब सामान खराब हो रहा है, गंदगी साथ में है, बड़ा बड़ा कीचड़, कभी कभी छोटे मवेशी ऐसी जानवर भी मर के आ रहे हैं उसमें, बहुत जीवन नरकीय हो गया। हम लोग चाहते हैं कि मैडम से मिलकर अपना समस्या का समाधान के लिए स्थायी समाधान होना चाहिए। पिछले 2021 से हम नगर निगम में जा रहे हैं, 4 बार हमने दरखास्त देकर रिसीविंग करवाया है उनसे, हर बार आश्वासन मिला, 10 बार फोटो खींच कर भेजा है, 20 बार उनसे जा कर के सिटी मैनेजर से मिला है और विशेष कार्यपालक आधा पदाधिकारी से भी मिला है। कोई समाधान नहीं हुआ, खाली आश्वासन मिला कि हो जाएगा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें, हम लोग तो जनता हैं, समस्या का समाधान तो चाहिए, स्थायी समाधान हो पहले। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।